अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको एक राजा की कहानी दिखाने या सुनाने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ और ही दिखाने और सुनाने लगता हूँ, तो आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा और आप उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे और ना ही उस चीज़ को देखना पसंद करेंगे। तो ऐसी ही एक स्टोरी है विक्रांत रोना मूवी की। इस मूवी में आपको बिल्कुल भी इस मूवी का लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो फटाफट इस मूवी का रिव्यू कर लेते हैं। दरअसल इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक बच्चों के ग्रुप डिस्कशन से, जहाँ पर वो एक भ्रम राक्षस के बारे में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले आपने भ्रम राक्षस को 2014 में रिलीज हुई मूवी क्रिएचर 3D में जरूर देखा होगा। तो बच्चे आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं और भ्रम राक्षस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद इस मूवी में भी हमको भ्रम राक्षस देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे स्टोरी में हमको दिखाया जाता है कि एक बच्ची और उसकी माँ एक गाड़ी में जाते हुए नजर आते हैं। अचानक से उसकी गाड़ी से एक शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो बॉडी है वो अचानक से गायब हो जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ मिस्ट्री टाइप को देखने को मिलेगा, या आत्मा या भूत टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिलता है। फिर एंट्री होती है विक्रांत रोना की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के रूम में इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको। और वो एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर उनको भेड़िए अंधेरे में नजर आते हैं। तो हमको मूवी में ऐसा लगने लगता है शायद इसमें कोई ऐसा जानवर दिखाया जाए जो बहुत ही भयानक हो। तो इस मूवी में ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद में गांव में से लोग अचानक से गायब होने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद अब इस मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम मायूस हो जाते हैं क्योंकि इस मूवी में ना कुछ लॉजिक समझ में आया, ना इसकी आपको स्टोरी बिल्कुल भी मिसलीड कर देगी। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये इस मूवी की स्टोरी थी क्या। तो अगर मैं एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू करना चाहूँ तो ये मूवी बिल्कुल भी लॉजिक लेस है। फिर भी आप इस मूवी को देखना चाहते हैं मनोरंजन के लिए, आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी बिल्कुल भी लॉजिक लेस है, जिसमें जो स्टोरी है वो बहुत ही उलझी हुई है। और जो जो ऑडियंस जो देखना पसंद करती है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो उलझाने वाली है और मिसलीडिंग करने वाली है कहीं ना कहीं इस मूवी की स्टोरी। तो आप मनोरंजन के लिए इस मूवी को देख सकते हैं, तो आप इस मूवी को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली मूवी के रिव्यू पर।